सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीता चौहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पालक पनीर की सब्ज़ी। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें, ये मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम, 5 कली लहसुन के लिए, टमाटर लिए हैं 2 बड़े, ये पालक है। अभी मैं इसको पालक को उबालूंगी, उबाल के मिक्सी में ग्राइंड करूंगी, और ये मिर्च मसाले हैं। तो शुरू करती हूँ। हमने पालक को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, इसको अभी हम पकाएंगे। जीरा डालते हैं, लाल मिर्च डालूंगी, लहसुन डालूंगी अब मैं, प्याज का पेस्ट डालूंगी, ब्राउन करेंगे, प्याज और लहसुन को भून लेंगे। टमाटर ऐड करेंगे अब हम, और मसाले ऐड करेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इस मसाले को भून लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह भून गया है, अब हम इसमें पालक डालेंगे। अभी इसको हम पकाएंगे। देखिए पक गया है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे। अच्छी तरह से बन गई है अब ये सब्जी, अब हम सर्व करेंगे। दोस्तों, हमारी सब्जी तैयार हो गई है पालक और पनीर की। अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।